एमएस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में होम टैब में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे रोज और कॉलम्स का साइज बदलना। यदि आपको किसी रो की हाइट बढ़ाना या कम करना हो तो उसके लिए उस रो पर क्लिक करें और फिर सेल्स ब्लॉक के फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर रो हाइट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको जितनी भी हाइट चाहिए हो वो यहाँ पर लिख दें और अब ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए जो रो हमने सिलेक्ट की थी उसकी हाइट बढ़ गई है। दूसरा तरीका ये है कि जिस रो की हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं उस रो पर माउस रखें और क्लिक करके उसे ड्रैग करें। ये देखिए ड्रैग करने पर इसकी हाइट आप देख सकते हैं कि बढ़ रही है। जितनी भी आपको हाइट बढ़ानी हो उतना ड्रैग करके फिर उसे छोड़ दें। अगर आप सारी रोज़ की हाइट एक साथ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा डेटा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करें। अब या तो सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट में जाकर के रो हाइट बढ़ा लें या फिर किसी भी एक रो की लाइन पर माउस रख करके क्लिक करें। उसकी हाइट को जितना भी बढ़ाना या कम करना हो उतना ड्रैग करके बढ़ा या कम कर लें। जब आप बटन छोड़ेंगे तो सारी रोज की हाइट उस हिसाब से बढ़ या घट जाएगी। यदि रो को ड्रैग करके हाइट बढ़ाने या कम करने से हम एग्जैक्ट हाइट सेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ये हमने पहली रो की हाइट बढ़ाई, हमको लग रहा है कि ये हाइट ज़्यादा हो गई है, तो इसे आप ऑटो फिट ऑप्शन की सहायता से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट में जाकर ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करें। अब ये देखिए टेक्स्ट के हिसाब से रो की हाइट अपने आप एडजस्ट हो गई है। या फिर रो की जो लाइन है उस पर डबल क्लिक करने से भी अपने आप हाइट एडजस्ट हो जाएगी। अब ये देखिए यहां पर हमने अलग अलग रोज की हाइट बढ़ा दी है और अगर इन सबको आपको एक साथ ऑटो फिट करना है तो उसके लिए पूरी शीट को सिलेक्ट करें और उसके बाद फॉर्मेट में जाकर के ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक कर दें या फिर किसी भी रो नंबर की लाइन पर डबल क्लिक कर दें। ये देखिए ये सारी की सारी रो हाइट ऑटो फिट हो गई है। यहाँ पर अभी हमने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है तो ये देखिए ये जो हमारे कॉलम की चौड़ाई है उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो ये पूरा दिखे उसके लिए हमको कॉलम की विड्थ या कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी होगी। अगर हमको केवल एक ही कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है तो ऊपर से उस कॉलम को सिलेक्ट करें और सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट पर जा कर के कॉलम विड्थ पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर जो भी कॉलम विड्थ हमको चाहिए वो हम डाल दें, ये हमने कर दी 25, ओके पर क्लिक कर दें। ये देखिए ये इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर जहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वहाँ पर जिस भी कॉलम की चौड़ाई आपको बढ़ानी है उसकी लाइन पर माउस रख करके उसको ड्रैग करके जितना बढ़ाना हो उतना बढ़ा लें। और अगर सभी कॉलम्स की विड्थ आपको एक साथ बढ़ानी है तो उसके लिए स्टार्टिंग में जाकर के क्लिक करें और सेल्स ब्लॉक के फॉर्मेट में जाकर के कॉलम विड्थ पर क्लिक करें और अब यहाँ पर जो भी चौड़ाई चाहिए वो टाइप कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। अब ये देखिए सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ समान हो गई है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ कॉलम्स में ज़्यादा जगह छूट रही है और कुछ कॉलम्स में कम, तो अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम की चौड़ाई एडजस्ट हो जाए तो उसके लिए स्टार्टिंग में कॉर्नर पर जाकर के क्लिक करें। अब या तो आप फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन पर क्लिक कर दें या फिर किसी भी कॉलम की लाइन पर डबल क्लिक कर दें। ये देखिए सारे कॉलम की विड्थ जो है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो गई है। अगर किसी एक ही कॉलम की चौड़ाई आपको एडजस्ट करनी है तो वो आप ऊपर कॉलम की लाइन पर डबल क्लिक करके भी एडजस्ट कर सकते हैं।
एमएस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में होम टैब में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा रोज और कॉलम्स का साइज बदलना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।